नमस्कार, मैं ऋचा सिंह स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम आज की राशिफल में। आज बताएंगे कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है, पूरे दिन आपको किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ेगा, साथ ही किन उपायों को करके आप परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास शो आज का राशिफल। मेष राशि, दिन मिला जुला रहने वाला है। आप अपने भविष्य को लेकर कोई निर्णय ले सकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य बनेंगे। आपको बेवजह इधर उधर बैठकर खाली समय व्यतीत करने से अच्छा है कि आप अपने कार्यों पर फोकस बनाए रखें। उपाय, बुधवार को हरे कपड़े में साबुत मूंग की दाल रखकर मंदिर में दान करें, गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें। वृषभ राशि, दिन मिला जुला रहने वाला है। व्यवसाय में आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपको कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचना होगा। भाई व बहनों से चल रही समस्याएं दूर होंगे। उपाय, किसी देव स्थान में हवन हेतु लकड़ी दान करें। मिथुन राशि, दिन खुशनुमा रहने वाला है। आपके कला कौशल में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको एक अच्छा मुकाम मिलेगा और माता पिता यदि आपको कोई जिम्मेदारी देते हैं तो आप उस पर खरा उतरेंगे। आप अपने किसी परिचित व्यक्ति से मिलने का आपको मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। उपाय, दशरथ कृति शनि स्रोत का 3 बार पाठ करें। कर्क राशि, दिन पद व प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। आप किसी के साथ कोई नोक झोंक में ना पड़े। आपके वरिष्ठ सदस्य साथी के मनमाने व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे और छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं जिसे आप पूरे अवश्य करेंगे। उपाय, सोमवार को सफेद कपड़े में चावल रखकर दक्षिणा सहित शिव मंदिर में या देवी मंदिर में दान करें। सिंह राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आप सोच समझकर कामों में आगे बढ़ें। आपको कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लगने से आपको खुशी होगी। आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। उपाय, शनिवार के दिन नीली वस्तुओं का दान करें, गणेश चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि, आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी पुरानी नौकरी का ऑफर आने से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप नई नौकरी में टिके रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके बिजनेस को लेकर यदि कुछ योजनाएं चल रही हों तो आप उन्हें समय रहते पूरा करें, नहीं तो समस्या आ सकती है। उपाय, तांबे के लोटे में अक्षत रोली व चावल डालकर सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें। तुला राशि, आज का दिन ऊर्जावान रहने वाला है। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा बदलाव करना अच्छा रहेगा। आप एक दूसरे के प्रति समर्पित नजर आएंगे। उपाय, शुक्रवार के दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर माता लक्ष्मी की आराधना करें, वट वृक्ष को मीठे दूध से सींचे। वृश्चिक राशि, आज का दिन मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। आपको अपने किसी परिजन की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में वरिष्ठ सदस्यों की सेहत को लेकर आप सचेत रहें। ऑफिस में आपके बॉस आपके ऊपर कामों की जिम्मेदारियां देंगे जिन्हें आप समय से निभाते रहेंगे। उपाय, मंगलवार के दिन 11 नीम के पेड़ लगाएं, उनको पोषित करने का संकल्प लें, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करें। धनु राशि, आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। आप अपनी समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे। यदि आपके पार्टनर से कुछ मतभेद चल रहे हैं तो आपको उन्हें दूर करने की कोशिश करनी होगी। आप किसी पर अधिक भरोसा ना करें। आपकी माता जी से आपसे यदि किसी बात को लेकर बातचीत करेंगी तो वो आसानी से दूर होती दिख रही है। उपाय, बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय पीपल के वृक्ष की पूजा व परिक्रमा करें, बृहस्पति देव की आराधना करें। मकर राशि, आज का दिन लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए रहेगा। प्रॉपर्टी की डील यदि आपको कोई लंबे समय से लटक रही थी तो वो फाइनल हो सकती है। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। जीवन साथी को करियर में तरक्की करते देख आपको खुशी होगी। उपाय, शनिवार के दिन कच्चे नारियल पर मौली लपेटकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर पानी में बहाएं, शनि मंत्र का 108 बार जाप करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के लिए रहेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे जिसके लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना हो सकता है। उपाय, बुध यंत्र की 5 बार पूजा करें, अपनी बाड़ी का दुरुपयोग ना करें। मीन राशि, आज का दिन कुछ खास रहने वाला है। आपका कोई कानूनी मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी भविष्य की योजना को लेकर सचेत रहेंगे जिसमें आप अच्छा खासा धन लगाएंगे।
आपकी संतान पढ़ाई लिखाई में कोई पुरस्कार की प्राप्ति होगी जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। उपाय, शुक्रवार के दिन सफेद कपड़ों में चावल रखकर किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करें, गुलाब का एक फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें। जाहिर है आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशिफल में विश्वास रखते हैं और उनकी राशि उनके लिए कारगर भी साबित होती है। ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शो लेकर आते हैं ताकि वो अपनी दिनचर्या को जान सकें। खैर, आज के राशिफल में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।